हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनीज के लेक्चर नंबर 4 पे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा हमने ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को कॉन्टिन्यू करके पढ़ेंगे ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑल्टरेशन ऑफ सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन द मेमोरेंडम। हमारे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चार तरीके से शिफ्टिंग में आता है, चार प्रोविजंस बन जाते हैं शिफ्टिंग के। एक आता है कि हम हमारे लोकल लिमिट्स में चेंजेस कर रहे हैं, मतलब सेम सिटी सेम टाउन सेम विलेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें कुछ भी ऑल्टरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम सेम ज्यूरिडिक्शन में ही विद इन द सेम स्टेट चेंज कर रहे हैं तब भी हमें ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम ROC टू अनादर, मतलब अनादर ज्यूरिडिक्शन में भी चेंज कर रहे हैं लेकिन विद इन द सेम स्टेट कर रहे हैं तब भी हमें ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक केस में ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ वहां पे हमें MOA की रिक्वायरमेंट होती है ऑल्टर करने की। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, मतलब मुंबई टू महाराष्ट्र चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, जो भी चेंज किया जा रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर तब आपको अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है विथ अ प्रॉपर इफेक्ट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड साथ के साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कन्फर्मेशन चाहिए। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेम पॉइंट जो हमने वहाँ पे पढ़ा था नेम क्लॉज में, मैंने कहा था काफ़ी चीज़ें सेम आएंगी। स्पेशल रिजोल्यूशन बिल्कुल आपको पास करवाना पड़ेगा सच चेंजेस के लिए, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 फर्दर क्या कहता है, ऑल्टरेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कन्फर्म ना करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज एंड बिफोर पासिंग इट्स ऑर्डर। अगर वो सेटिस्फाई होती है कि हाँ ऑल्टरेशन आप कर सकते हो तो वो आपको अप्रूवल दे देती है। नेक्स्ट, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी ऑल्टरेशन ऑफ इट्स मेंबर, अगर वो चेंज हो रहा है वन स्टेट टू अनादर तो उनको रजिस्ट्रार के पास भी MGT 14 में स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास करवाया है वो फाइल करना होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 7, जिसको हम रीड करते हैं विथ रूल 31 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, वो क्या कहता है, कोई भी ऑल्टरेशन किया जाता है इन अ मेमोरेंडम जो इन रिस्पेक्ट ऑफ वन स्टेट टू अनादर है रजिस्टर्ड ऑफिस का, तब आपको एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कि वो अप्रूव कर रहे हैं वो ऑल्टरेशन, और उसको भी आपको फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार दोनों स्टेट्स के विद इन 30 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीप्ट, एंड INC 28 भी आपको फाइल करना है दोनों रजिस्ट्रार के साथ, और शिफ्टिंग का भी आपको दोनों को बताना है, तब आपको एक रजिस्ट्रार क्या कर देगा फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। नेक्स्ट, दो रूल्स आते हैं इसमें, एक रूल होता है 30, एक रूल 31, दो प्रोसीजर आपके चलेंगे। रूल 30 क्या कहता है, द शिफ्टिंग ऑफ वन टू अनादर स्टेट, आपको पहला रूल सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करना है, मतलब गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल लेनी है, गवर्नमेंट को आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से फॉर्म में बताना है आपको, INC 23 में विथ फीस, साथ के साथ आपकी कॉपी जाएगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, मिनट्स की कॉपी जाएगी जनरल मीटिंग की, और बोर्ड रिजोल्यूशन प्रॉपर पावर ऑफ अटॉर्निटी के साथ आपका जाएगा। अदर अटैचमेंट्स भी आपकी जाती हैं, देयर शैल बी अटैच टू द एप्लीकेशन अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, सबकी लिस्ट जाएगी, डेट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन नॉट मोर देन 1 मंथ, 1 महीने पुरानी वाली पूरी जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये भी पढ़ लो, क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर के नेम और एड्रेस, नेचर रिस्पेक्टिव अमाउंट जो भी उनके नाम पे ड्यू है वो सारा आपको बताना पड़ेगा, साथ साथ प्रोवाइडेड दैट द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर जो अकम्पेन करती है एज अ डिक्लेरेशन प्रॉपरली साइन किया जाएगा CS ऑफ द कंपनी से अगर कोई है तो,
अगर नहीं है तो कम से कम दो डायरेक्टर उसके लिए साइन करेंगे और उसमें से एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दे हैव मेड अ फुल इंक्वायरी इन टू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब उनको पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अ क्रेडिटर, डेटर्स, डिबेंचर होल्डर, सब करेक्ट है नहीं है वही साइन करेगा। नेक्स्ट, कोई भी एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय शैल बी रिट्रेंच एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, एंड ऑल्सो देयर शैल बी एन एप्लीकेशन फाइल बाय द कंपनी टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। मतलब वो एम्प्लॉय कोई भी साइन नहीं करेगा जो रिट्रेंचमेंट के केस में है और उन्होंने कुछ अदर फॉर्म भी एप्लीकेशन फाइल अप करा हुआ है। A duly authenticated copy of list of creditors shall be kept at the register office of a company and any person अगर वो चाहे उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, 10 रुपये पर पेज देके, ठीक है, उतनी अमाउंट उनको देनी पड़ती है, मतलब 10 रुपये मैक्सिमम है। There shall also be attached to the application a copy acknowledge of the service copy जो properly complete की जाती है by the registrar and the chief secretary of the state, ठीक है, जब आपने शिफ्टिंग करी है उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है आपका, द कंपनी शैल नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 23 उनको एडवर्टाइजमेंट भी देनी पड़ेगी एज अ फॉर्म INC 26 कहाँ पे, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और जिस स्टेट पे है तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में। Provided that copy of advertisement shall be served on the central government immediately on its publication. Next आता है आपका, registered post से आप उसको serve करोगे किनको, debenture holder और creditors को, और registered post से आप उनको acknowledge भी करोगे notice together with the company of the application, किसको, registrar को, SEBI को, अगर company listed है तो उन सबके पास भी वो जाएगा। Next, there shall be attached to the application a duly authenticated copy of the advertisement, साथ के साथ notice और जो जो भी relevant physical documents हैं applicant के, tabulate details आपने जो बनाई हैं वो सब भी आपको attach करनी है। No objection has been received from any person in response to the advertisement or notice, कोई भी आपको objection नहीं आना चाहिए। The application may be put up for order without hearing and the order either approving or rejecting, वो आपका पास हो जाएगा 15 दिन from the date of receipt। जब आप application दोगे उसके 15 दिन में आपको approval या rejection जो भी होगा उसका मिल जाएगा। अगर rejection हो जाता है, मतलब where an objection has been received, अगर कोई objection आ जाता है तो central government हियरिंग करेगी जो उनको ज़रूरी लगती है एज रिक्वायर्ड और डायरेक्ट करेगी कंपनी को कि वो फाइल करे एक एफिडेविट कि वो रिकॉर्ड कर सके प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस जो वो हियरिंग के लिए कर सके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर पास कर देगी अप्रूविंग शिफ्टिंग विद इन 60 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। नो कॉन्सिक्वेंसेज इज रीच्ड एट द हियरिंग ऑफ द कंपनी, अगर वो ऐसा कुछ फाइल अप होता है तब भी 60 डेज का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम होता है कि वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। ऑर्डर जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देगी और उसके अकॉर्डिंग ऑल्टरेशन हो जाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी, अगर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसा कुछ है विच नो प्रोसिक्यूशन इज इन्वेस्टिगेट और नो प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग शिफ्टिंग और रजिस्टर ऑफिस शैल बी अलाउड, तब आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग काम करना है। वही सारा INC 24 फॉर्म फिल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, साथ के साथ आपको मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी लगानी है, जनरल मीटिंग की कॉपी लगानी है नोटिस की, एंड साथ साथ आपका जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना है वो लगेगा साथ में, उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन है वो जाएगा, मिनट्स जाएंगे जनरल मीटिंग की प्रॉपरली, सारी चीज़ें ये अटैच होंगी, एफिडेविट होगा अटैच वेरीफाइंग द एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर अटैच होगा, वेरीफाइंग लिस्ट ऑफ क्रेडिटर भी जाएगी, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ये जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा जो भी है बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी पे वो जाएगा। नेक्स्ट आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम RBI या NBFC जहाँ से भी है वो भी साथ में अटैच होगा। There shall be attached to the applicant क्या क्या, list of creditor and debenture holder proper जाएगा, नाम वगैरह ये पढ़ चुके हो, यही list है। Next आता है आपका,
प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट कंपनी शैल फाइल एन एफिडेविट जो साइन किया जाएगा बाय कंपनी सेक्रेटरी. अगेन पॉइंट आ रहे हैं यही वाले, कम से कम अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो दो डायरेक्टर तो साइन करेंगे करेंगे, जिसमें से एक आपका क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर. और उनको हर एक चीज़ प्रॉपरली पता होनी चाहिए एज पर द करेक्टनेस ऑफ द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर, और उनके नॉलेज में सब कुछ होना चाहिए. देयर शैल ऑल्सो बी अटैच टू द एप्लीकेशन, एक एफिडेविट अटैच होगा फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कि कोई भी एम्प्लॉय रिट्रेचमेंट के केसेस का नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अगर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर की जो ऑथेंटिक कॉपी है वो प्रॉपरली इंस्पेक्शन के लिए रखी जाएगी फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस आर, और कम से कम मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं पर पेज के लिए, कोई भी पर्सन जाके इंस्पेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, देयर शैल ऑल्सो बी अटैच टू द एप्लीकेशन अ कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन जो प्रॉपरली कंप्लीट हो, टू द रजिस्ट्रार के पास जाएगी, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की एंड यूनियन टेरेटरी पे है तो वहाँ पे. द कंपनी शैल एट लीस्ट 14 डेज बिफोर डेट ऑफ हियरिंग एडवर्टाइज करेंगे INC 26. प्रॉपरली आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से होते हैं डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स के पास जाएंगे, सेम पॉइंट्स आ रहे हैं अगेन, ठीक है. एंड अदर जो अथॉरिटी है दैट इज द रजिस्ट्रार, सेबी, जो भी है लिस्टेड कंपनी है तो इन केस ऑफ दैट सेबी के पास जाएंगे. नेक्स्ट आता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्शन आता है कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक आपको चांस देती है हियरिंग देने का, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो विदाउट हियरिंग आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड हो जाती है. बिफोर कंफर्मिंग द ऑल्टरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एंश्योर दैट कि जो आपने लिस्ट दी है वो प्रॉपर है या नहीं है, और लास्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज़ से बिल्कुल परफेक्टली आपके साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट से तो वो कन्फर्म कर देते हैं ऑल्टरेशन, ठीक है. अगेन अगेन रिपीट हुआ है तो हमारी क्या होगी, छोटी सी रिविजन. प्रोसीजर क्या है जो हम फॉलो करते हैं फॉर द रूल 30. पहला, बोर्ड मीटिंग जाएगा, नोटिस, वही चीजें हैं बट यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग प्रोविजंस पॉइंट्स में आ गए. बोर्ड मीटिंग आपकी जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर जाएगा. शिफ्टिंग, उसमें आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अप्रूवल ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग ऑफ EGM और जिसमें हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, नोटिस में सब चीज़ें जानती है. उसके बाद आप ऑथोराइजेशन लोगे डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का, साइन करोगे डॉक्यूमेंट, एंगेजमेंट करवाओगे CS का टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर RD. रीजनल डायरेक्टर का भी रोल इसमें आ जाता है. लिस्टेड कंपनी का केस होगा तो एटलीस्ट 7 डेज बिफोर बोर्ड मीटिंग आपको प्रॉपर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाना पड़ेगा, ठीक है. और सेम कॉपीज स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी, बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी जिसमें ये सारे पॉइंट अगेन आएंगे, अप्रूव करवाओगे रिजोल्यूशन, नोटिस फॉर कॉलिंग द EGM, ऑथोराइजेशन करवाओगे डायरेक्टर और CS के साइन, एंड एंगेजमेंट करवाओगे कि CS RD के सामने जा सके. इंटीमेट करोगे स्टॉक एक्सचेंज को अबाउट पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग एट द अर्लीस्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट. 24 घंटे के अंदर अंदर आप बताओगे, ठीक. अगर कुछ भी डिले करते हो तो उसका डिले का डिस्क्लोजर भी आपको देना पड़ेगा. EGM का नोटिस कम से कम 21 दिन पहले जाना चाहिए हर एक मेंबर के पास, और साथ के साथ उसकी कॉपीज स्टॉक एक्सचेंज में भी जानी चाहिए साइमल्टेनियसली. और इंटीमेट करोगे प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज को कि विथ प्रॉपर EGM नोटिस का, एंड सेंड टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एट अर्लीस्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट. अगर कोई भी डिले होता है तो आपको डिले डिस्क्लोज करना पड़ेगा LODR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग. पब्लिश करोगे नोटिस EGM का न्यूज़पेपर में, और साथ के साथ एक कॉपी जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में. EGM होल्ड होगी, रिजोल्यूशन पास करवाओगे किसके लिए, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, प्रॉपरली डायरेक्टर और CS के साइन किए जाएंगे और फाइल किया जाएगा विद द प्रॉपर डिपार्टमेंट. इंटीमेट करोगे प्रॉपर प्रोसीडिंग्स क्या रही, EGM की अमेंडमेंट क्या रहा, किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, विद इन 24 आवर्स ऑफ सच मीटिंग. डिले कुछ भी होगा तो वो आपको डिफाइन करना है. MGT 14 के अंदर ROC के पास भी फाइल होगा आपका स्पेशल रिजोल्यूशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच रिजोल्यूशन. उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देनी है किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, टू बी फाइल टू रीजनल डायरेक्टर अबाउट द शिफ्टिंग.
और ये आपका किस में जाएगा, INC 23 अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। द कंपनी शैल नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन INC 23, उसके साथ साथ आपको एक INC 26 न्यूज़पेपर में भी छपवाना है, साथ के साथ आपको एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करनी है टू द रजिस्टर्ड पोस्ट, किसको, डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स को, उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रार एंड सेबी के अंदर भी प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने। नेक्स्ट आता है आपका, देयर शैल बी अटैच्ड द एप्लीकेशन प्रॉपरली एक ऑथेंटिकेटेड कॉपी, एडवर्टीजमेंट और नोटिस की भी साइन होकर जाएंगी, जो अगर इलेक्ट्रॉन मोड में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो उसके हिसाब से जाएगी जो कंपनी को रिसीव की गई है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको रिसीव नहीं होता है उस केस में, या तो विदाउट हियरिंग और अप्रूविंग और रिजेक्टिंग, जो भी होगा आपको विद इन 15 डेज पता चल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव्ड होता है, सेम प्रोसीडिंग्स हैं, सीजी आपको हियरिंग के लिए बुला लेगा, 60 दिन के अंदर अंदर वो आपको अप्रूवल दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपका ऑब्जेक्शन आपको रिसीव्ड होता है तो सीजी होल्ड करेगा हियरिंग और हियरिंग्स, डायरेक्ट करेगा जो भी उनको चाहिए, बात करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर है वो देखेंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे और आपको अप्रूविंग दे देंगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। वेयर नो कॉन्सिक्वेंसेस इज रीच, अगर वो कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कन्फर्मिंग हो, चाहे रिजेक्शन हो, कुछ भी ऑल्टरेशन हो, 60 दिन के अंदर अंदर आपको बता देंगे। जो ज़रूरी ऑर्डर लगेगा सीजी को, वो आपको पास कर देंगे और कंफर्म कर देंगे फॉर द ऑल्टरेशन, और उसके बाद रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोई भी इंस्पेक्शंस वगैरह कुछ है तो वो अलाउ की जाती है। नेक्स्ट, द चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस प्रॉपरली इफेक्ट हो जाएगा जब आपको ROC से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है ऑफ द स्टेट जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो, वहां से। एक बार ऑर्डर पास हो गया बाय द RD अप्रूविंग शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर ऑफिस, फाइल फॉर्म INC 22 विद ROC अलॉन्ग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो जो जरूरी है। द रजिस्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द नेम ऑफ अ कंपनी, नोटराइज कॉपी जाएगी लीज और रेंट एग्रीमेंट की, कॉपी ऑफ रेंट पेड रिसीव्ड नॉट ओल्डर देन 1 मंथ वो भी जाएगा, ऑथोराइजेशन फ्रॉम द ओनर कि आप उसकी प्रीमाइसेस को यूज कर रहे हो वो भी जाएगा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप भी जाएगा, प्रीमाइसेस बाय द कंपनी एज इट रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके साथ साथ आपकी यूटिलिटी सर्विसेज जो उस जगह की है वो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका टेलीफोन बिल हो गया, आपका गैस, कोई सा बिल है जो ओनर के नाम पर होगा विद 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और एक कॉपी आप ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो भी अटैच करो। इफ द डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर तो रजिस्ट्रार दोनों स्टेट्स के अप्रूव कर देंगे फॉर्म को और आपका अपडेट कर देंगे शिफ्टिंग और एड्रेस विद इन 30 डेज जब वो आप शिफ्ट कर लेते हो, ठीक है, और आपको एक न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Rule 31 क्या कहता है, द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ CG अप्रूविंग द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस वन स्टेट, तो उनको INC 28 अलॉन्ग विथ फीस फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर। अगर सीजी ने आपको डायरेक्ट किया है, सर्टिफाई किया है, तब आप INC 28 फॉर्म भर के एज पर Rule 31 कंप्लीट कर सकते हो अपना शिफ्टिंग। स्टेप्स आफ्टर ऑब्टेनिंग न्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम RC, मतलब अब इसको स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैं एक बार आपको बैक रिविजन करवा देती हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, इवन हमने रिपीटेटिव प्रोसेस करा है, तो आप कोई भी एक प्रोसेस को पकड़ लो, वहां पे भी वही है, रूल्स भी वही बता रहा है, प्रोसीजर भी वही बता रहा है, कोई ऐसा मेजर चेंज किसी में नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा Rule 30 और सेम प्रोसीजर है। Rule 31 बहुत सिंपल है, INC 28 फॉर्म फिल कर दो जब आपको CG ने सर्टिफाई कर दिया है, सिंपल सा है। अब आपका एक नया सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है, तब आप स्टेप क्या लोगे फ्रॉम ROC, ऑल्टरेशन दोगे इन MOA विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, स्टेशनरी, बैनर, साइन बोर्ड, बिल, इनवॉइस सब नए एड्रेस पे बनेंगे जैसे नए नेम में कर रहे थे आप लोग। नेसेसरी चेंजेस जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ आप अपना एड्रेस चेंज करवाओगे, और PAN 10 ये सब आपको क्या करवाने पड़ेंगे, अमेंड करवाने पड़ेंगे, मतलब ऑल्टर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके सारे नए एड्रेस इसमें आ जाएंगे।
बस ये बहुत छोटा सा आपका ऑर्डरिंग प्रोसेस है। अब इसके बाद जो एक दो और रह गए वो भी बड़े छोटे छोटे से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑल्टरेशन करते हैं, इसको एक बार आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, थैंक यू।